क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं सर्कल के फर्स्ट एक्सरसाइज का। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, एक सर्कल है ठीक है, सर्कल का रेडियस नहीं पता कितना बड़ा है नहीं पता, पीए और पीबी टेंजेंट दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं एक्सटर्नल पॉइंट से ठीक है, और यहाँ एक और टेंजेंट है सीडी भी टेंजेंट है जो कि सर्कल को टच करता है, तो यहाँ पे तीन टेंजेंट की बात की है पीए पीबी और सीडी, तो ये पीए जो है वो पीबी के इक्वल होगा, ये तो होगा सीडी का नहीं पता लेकिन पीए और पीबी इक्वल होगा क्योंकि ये एक ही पॉइंट एक्सटर्नल एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा किया हुआ टेंजेंट है और ये दो टेंजेंट इक्वल होते हैं लेंथ में अकॉर्डिंग टू द थ्योरम जो कि हम पहले पढ़े थे, और ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर पीए का लेंथ जो है क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको निकालना है पेरिमीटर ऑफ पीसीडी, मतलब आपको क्या करना है पीसी पीसी प्लस सीडी और प्लस डीपी, ये ट्रायंगल के पेरिमीटर निकालना है मतलब तीनों साइड का सम निकालना है ठीक है। तो आप यहां देखिए अगर हम पॉइंट सी को कंसीडर करते हैं, पॉइंट सी सर्कल के बाहर का पॉइंट है, तो सी ए और सी ई ये भी दो टेंजेंट हो गया, ध्यान दीजिए इन सबको थोड़ी देर के लिए आप भूलिए, तो ये दो टेंजेंट पॉइंट सी से दो टेंजेंट बनता है सी ए और सी है ना, सी ए इज इक्वल टू सी, फिगर में भी दिख रहा है ये क्लियर है, पीए जो है पीसी प्लस सी ए, पीए दो पार्ट में यहाँ बटा हुआ है, पीबी भी दो पार्ट में बटा हुआ है पीबी और डीबी में, तो पीए इक्वल टू पीसी प्लस सी ए, पीबी इक्वल टू पीडी प्लस डीबी, क्लियर। अब सीडी जो है वो सीई प्लस ईडी है, सीडी जो है दो पार्ट में बटा हुआ है सीई और ईडी, इन दोनों को प्लस करके तो सीडी मिल जाएगा। नाउ अगर हम पी ए प्लस पी बी निकालते हैं तो पी ए की जगह पे लिख सकते हैं पी सी प्लस सी ए, और पी बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी बी की जगह पे पी डी प्लस डी बी ठीक है। तो यहां पे देखिए पी सी और सी ए और पी डी, सी ए और पी डी को एक साथ अगर हम देखें, सॉरी सी ए और ई डी को देखें, तो ये सी ए यहां से कुछ मिस्टेक हो रहा है, पीबी पीडी प्लस डी ठीक है नहीं ठीक है। अब देखिए यहां पे सी ए की जगह पे हमको सी रखते हैं पीसी प्लस सी, और पीडी को रहने देना है और डीबी की जगह पे क्या रख देना है डी रख देना है, भाई ऐसा क्यों हमने किया, क्योंकि हमें पेरिमीटर निकालना है, अब इसमें सीए का काम नहीं है पीसी सीडी, तो सीडी दो पार्ट में है सीई प्लस ईडी, हमें जो निकालना है पीसी प्लस सीडी प्लस डीडी, तो पीसी है उसके बाद सीडी लेना है, तो सीडी यहाँ पे दो पार्ट में है सीई और ईडी, तो सीई और ईडी का काम है सीए और डीडी का काम नहीं है, सीए और डीडी का काम नहीं है, तो सीए और डीडी को हमने रिप्लेस कर दिया। अब देखते हैं पीसी सीई और डीई, सीई और डी ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, सीई और डी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे सीडी हो जाएंगे और ये पीडी ठीक है, तो पीए प्लस पीडी जो है आपका 14 प्लस 14 होगा 28 सेंटीमीटर, और ये 28 सेंटीमीटर और इसी तरह से ये भी 28 सेंटीमीटर, मतलब राइट साइड हम वैसे ही लिखते जा रहे हैं और लेफ्ट साइड को हमने यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई मॉडिफाई करते गए ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से पीसी प्लस सीडी प्लस डीपी कितना आ गया 28 सेंटीमीटर, और यही आपका ट्रायंगल का पेरिमीटर है पीसीडी का पेरिमीटर, इस तरह से ये सॉल्व हो गया ओके।